हेलो फ्रेंड्स, विशांस कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं आटा के पेड़े। तो सबसे पहले हम आटा डालेंगे कढ़ाई में। इसको हम मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। इसको कुक करने के बाद इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी, और घी डालने के बाद इसको हम कुक करेंगे थोड़ी देर। और घी जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो आटा भी हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। लगभग 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इन दोनों को हल्का सा ठंडा करके लेने के बाद इसमें हम डालेंगे बूरा यानी पिसी हुई चीनी। आप डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाला है इलायची का पाउडर। अब इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स, और यहाँ पे थोड़ा घी और डाल देंगे, तो लगभग 4-5 टेबल स्पून। और इसके इस तरह से पेड़े से हम बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे इस तरह, तो जैसे साइज के आप पेड़े बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। और अब इसको हम कोट कर देंगे बूरा में। तो इस तरह सारे पेड़े हम रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों, तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार आटा के पेड़े। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।